नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत, ब्रिटेन, ब्राजील और चीन समेत कई बड़े देशों में पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा म्यूटेशन इसके फैलने की रफ्तार को तेज कर रहे हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए एक्सपर्ट इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। साउथ अफ्रीकन DSI NRF सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की डायरेक्टर जूलियस पोलियम ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में तेजी से फैलने का दावा किया है। एक इंटरव्यू में पोलियम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में हॉस्पिटल प्लानिंग से जुड़े मामलों के लिए तैयार रहना समझदारी भरा कदम होगा। पोलियम ने कहा कि ओमिक्रॉन पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी अपने चपेट में ले रहा है। इसका ट्रांसमिशन रेट पिछले सभी वेरिएंट से बहुत ज्यादा है। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोग भी नए वेरिएंट से नहीं बच पा रहे हैं। पुलियम ने कहा कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के जो हालात पहले दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिले थे, अब वो दुनिया भर के कई देशों में दिखने लगे हैं। एक्सपर्ट्स मानती है कि भारत में ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा। भारत में डेल्टा वेरिएंट के कारण आई दूसरी लहर में भी बदतर हालत देखने को मिले थे। आपको बता दें, ओमिक्रॉन सब लेरेंस BA.1 वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा हावी है। वायरस से कम्युनिटी में फैलने की वजह से ऐसा हुआ है। शुरुआती जांच ये बताती है कि वायरस के इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता और हाई ट्रांसमिशिबिलिटी संक्रमण की तेज रफ्तार इसके फैलने की असल वजह है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से होने वाली गंभीरता के बारे में अभी हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि वैक्सीनेटेड और पहले संक्रमित हो चुके लोगों में इसके हल्के लक्षण देखे जा सकते हैं। हालांकि खराब इम्यूनिटी वालों पर इसका असर पिछले वेरिएंट्स जैसा ही हो सकता है। इसलिए हॉस्पिटल प्लानिंग के मामलों में हमें बदतर हालात से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, पोलियम ने कहा है कि भारत में अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया है। सुरक्षित रहने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगवा कर एक अच्छा आइडिया साबित हो सकता है। भारत अभी तक बूस्टर डोज या खराब इम्यून वालों को अतिरिक्त डोज देने पर भी फैसला नहीं ले पाया है। ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए। रिपोर्ट IKEN।